मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। नहीं माया था, जो कुछ हुआ उस पर बहुत शर्मिंदा है। माफी मांग रहा था तुम्हें, सॉरी कहने आया था। सॉरी? वो आया, उसने माफी मांगी और आपने उसकी बात मान ली? नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने उससे। हमारे लिए वही बात माने रखती जो तुम कहो। एक तरफ तो आप आंसू बहा रही हैं खालू जान के ना होने पर, खुदा ना करे नहीं भाई आपको छोड़कर चले गए तो। हुमा, ठीक ही कह रही हूँ मैं खाला जान, आप इतना तंग करेंगी उन्हें तो वो एक दिन आपको छोड़ के कहीं चले जाएंगे। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। अम्मी कब तक नाराज रहेंगी, अब मान भी जाइए ना। तुम्हें मेरी नाराजगी की क्या परवाह? जो दिल चाहे करते रहो। अम्मी प्लीज, आप जानती हैं कि आपकी खुशी मेरे लिए कितनी अहमियत रखती है, और अब जबकि अब्बू भी नहीं रहे हैं, मैं इस घर में खुशियां देखना चाहता हूँ। वो खुशियां जिसका अब्बू को भी इंतजार था। तो जाओ जाके उसे ले आओ, बस उसे कहना कि मेरी नजरों के सामने ना आए। अम्मी ऐसा कब तक चलेगा? क्या मैं कभी इस घर में खुशियां मोहब्बतें नहीं देख पाऊंगा? क्या आप कभी नादिया के सर पर शफकत भरा हाथ नहीं रखेंगे? इसलिए तो कह रही हूं कि जाओ जाके उसे ले आओ। कोशिश करूंगी कि जो तुम कह रहे हो ऐसा हो जाए। दिल से कह रही हैं आप? सिर्फ तुम्हारे लिए। नादो, क्या बात है बेटा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। फिर क्या फैसला किया तुमने? घर तो जाना चाहती हूँ वापस अपने, मगर एक डर सा है, खौफ सा है जो कदम उठने ही नहीं देता। खौफ? खौफ किस बात का बेटा? फिर से वही सब कुछ होने का खौफ है। बहुत तकलीफ होती है जब कोई आपकी जात को धुतकार दे, नफी कर दे उसकी, और जब सामने वाला आपको ये एहसास दिलाए कि उसके दिल में आपके लिए कोई अहमियत नहीं है, सो आपको हाथ से पकड़े और ये जो हाथ थामा ना तो जिंदगी भर नहीं छोड़े जाने थे। हर हाल में साथ दूंगा मैं तुम्हें। आओ बेटा, बैठ। तुम लोग बातें करो, मैं भी आती हूँ। मुझे माफ कर दो नादा, मैं जानता हूं कि मेरे अल्फाज अपनी वक्त खो चुके हैं, पर एक मौका तो दे मुझे। मैं अपनी ज्यादतियों पर शर्मिंदा हूं, जानते हैं हर बार बुरा कहना मैं कौन सा, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह समझ गया कि इंसान को कभी एक तरफा बात सुनकर रद्द अमल नहीं देना चाहिए। मोहब्बत जहाँ चंद लोगों के जज्बे को डील ऑफ कर देती है, वो कभी कभी खुद फर्ज भी बना देती है।
चाहे वो माँ क्यों ना हो। ऐसा जान मुझको नहीं करता ना, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेपनाह प्यार, तुम मेरी इज्जत हो, मेरी बीवी है। मैं उस वक्त हम और गुस्से पर काबू नहीं रख सका। समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ अच्छा होने वाला होता है तो सब बिगड़ जाता है। बस एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे सारे डर और खौफ खत्म कर दूंगा। तुम्हें वही पुरसकून जिंदगी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए हमेशा। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। मेरे साथ चलोगी ना? चलोगी ना मेरे साथ? जिमी, कल की आई लड़की जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, मेरे और मेरे बेटे में फूट डाल रही हो। नहीं तो चुप करो, एक लफ्ज मत बोलना। 2 टके के जेवर आप क्या ले गई मैं तुम्हारे? तुमने कान भरना शुरू कर दिया उसके। एक बात याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ तो इस घर में वो होगा जो मैं चाहूंगी, और अगर आइंदा ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाला जानी, अब छोड़ दें गुस्सा और भाभी को दिल से कबूल कर लो। घर के बड़ों को वैसे भी ऐसी नाराजगियां जो है ना जेब नहीं देती। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो पता है कि मेरी खाला जानी का दिल बहुत बड़ा है और मोहब्बत करने वाला है। इसी बात का तो फायदा उठाते हो तुम लोग। अम्मी, हम किस चीज का फायदा उठाएंगे? हम सबको मालूम है कि आपकी खुशी हम सब की खुशियों में, हमारा हंसता बसता घर देख लेना। बस फिर इसी बात पर सारी पुरानी बातों को भूलकर भाभी को दिल से गले लगा लें। देखिए अम्मी, अबू अब हमारे दरमियान में नहीं रहे और कभी लौट कर भी नहीं आएंगे। वो तो ये खुशियां कभी देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन आप तो अपने हाथों से ये खुशियां दूर मत करें। मैं चाहता हूँ कि हम सब हमेशा खुश और इत्मीनान से रहें। इंशाल्लाह नहीं भाई, अब ऐसा ही होगा। पता है खाला जानी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं जानता हूँ, और अम्मी आपको मालूम है कि मैंने तो ये भी सोच लिया है कि अगर हमारे लड़का हुआ तो उसका नाम हम अब्बू के नाम पे रखेंगे, है ना? अच्छा ठीक है, तो बस फिर मुझे सिर्फ लड़का ही चाहिए। अम्मी, मैंने कहा कि अगर लड़का हुआ तो, और वैसे भी ये सब मेरे बस में तो नहीं, ये तो सब अल्लाह पाक के हाथों में। बस भाई, मैं कुछ नहीं जानती। जो करो जैसे करो, मन्नतें मांगो, तावीज करो, अल्लाह ताला से सजदे करके दुआएं मांगो, लेकिन मुझे इस घर का वारिस लड़का ही चाहिए, बस। तुम आती रहा करो बेटा,
तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। जब से मेरी अपनी बेटियां पराए घर की हो गई है ना, हमारा घर तो बस बिल्कुल सूना सूना सा हो गया। पता है, जब रानी थी ना यहाँ पर तो इतनी रौनक होती थी, अफवान से तो उसकी हर वक्त नोकझोंक चलती रहती थी। तो आंटी आप उन्हें बुला लिया करें ना, या फिर आप खुद चली जाया करें। अरे नहीं बेटा, जब बेटियां अपने घर की हो जाती है ना तो फिर वो पहले सी बात कहाँ रहती है। यही तो अलमिया है, अजीब से रस्म रिवाज है हमारे। बस माँ बाप तो अपनी बेटियों के नेक नसीब के लिए दुआएं ही करते रहते हैं। आंटी क्या बात है, हम मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ नादो की सास से तो तुम मिली हो ना बेटा, समझ भी गई होगी उनको। जब वो मेहमानों के सामने ऐसा कर सकती हैं, उनका रवैया ऐसा होता है, तो भला पीछे क्या करती हो। और फिर रानी की जिन हालात में शादी हुई है ना, मुझे बड़ी फिक्र है उसकी। आंटी आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। रानी और नादिया अपने घरों में खुश और आबाद रहेंगी। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, आप ज्यादा फिक्र नहीं करें, अच्छी उम्मीद रखेंगी तो अच्छा ही होगा। हाँ कहती तो तुम ठीक हो, अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे बेटा। इंशाल्लाह आंटी सब ठीक हो जाएगा, आप बस उनके लिए दुआ किया कीजिए। माओं की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते, और हर दुख आने वाली खुशी के लिए इशारा होता है। तुम बहुत अच्छी बच्ची, कितनी मजबूत सोच है तुम्हारी। नुमान ने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने का बिल्कुल सही फैसला किया। आंटी मेरी सोच को नुमान ने ही बदला है। मेरे इस बात पर बिल्कुल ईमान है कि वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, सब वक्त बदल जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। जब नुमान मर्द होकर उनकी सोच ऐसी है तो आपकी दोनों बेटियां तो आपकी परछाइयां हैं। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, बस थोड़े से दिन के बाद ना मैं तुम्हारी और नुमान की शादी की बात आगे बढ़ाती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो फिर मेरी रानी का मुंह इतना सुर्ख क्यों हो गया? इतना खूबसूरत चेहरा और ये उदासी। राजा तुमने अम्मी से जोली की बात शेयर की थी? सरसरी सी बात हुई थी, क्यों नहीं कहनी थी? क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा? अम्मी ने मुझे बहुत डांटा है, उनको लगता है कि मैं तुम्हारे उनके बीच लड़ाई करवाना चाहती हूँ, जबकि मैं जानता हूँ जबकि तुम्हारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। देखो रानी, अम्मा तुम्हें कभी भी कुछ भी कहे ना तो उनके सामने बहस मत करना। तुमने कुछ कहा तो नहीं, बहस वगैरह? या नहीं, मैं तो परेशान और हैरान खड़ी थी। उनका गुस्सा ही इतना था कि गुस्से के आगे मेरी आवाज तक नहीं निकली। अच्छा क्या? नहीं मेरा मतलब नहीं। राजा आइंदे से ख्याल रखना। किस बात का? यही कि मेरी कोई बात शेयर नहीं करना उनसे। तुम जिनकी बात कर रही हो वो मेरी माँ है। जानती हूँ, लेकिन मियाँ बीवी के बीच में प्राइवेसी होती है जो हर किसी से शेयर नहीं की जाती। खुद सोचो, हमारे बीच कोई बात हो और मैं जाके घर में बता दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा ना, इसलिए कह रही हूँ। और दूसरी बात यह है राजा कि हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम मुझे समझते हो, मेरे मिजाज को समझते हो, लेकिन अम्मी के लिए मैं नहीं हूँ। उनको थोड़ा वक्त चाहिए, और ऐसे में उनसे इस तरह की बातें शेयर करना बेवकूफी है। अम्मी के दिल में मेरे लिए सिर्फ गलतफहमियां पैदा होंगी और कुछ नहीं। ठीक है बाबा, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा, आइंदा कभी भी कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं वही करूंगा जो तुम्हारा हुक्म होगा, तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। हुक्म नहीं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। तो फिर इस गुलाम के लिए और क्या हुक्म है? मुझे घुमाने लेके चलो। अभी इस वक्त? हाँ तो नई नई शादी हुई है हमारी, घूमना तो बनता है। पहले तो बड़े दावे किए थे शादी से पहले कि वहां लेके चलूंगा, वहां लेके चलूंगा। कहाँ गई वो तुम्हारी सारी बातें? हाँ ठीक है, फिर आज रात हम लोग डिनर पर चलते हैं, तैयार हो जाओ। ठीक है।
हाँ अभी से तैयार होना शुरू करोगी तो डिनर तक तो तैयार हो ही जाओगी। राजा घर में इतनी खामोशी क्यों है? नहीं डराई थी आपने तो मुझे। ओह आई एम सॉरी। वो अम्मी जो है वो सो रही हैं और हुमा शायद अपनी दोस्त की तरफ है, कंबाइन स्टडीज करने गई है। अच्छा चलो तुम एक काम करो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी चंद दिनों से इस घर से मुझे वहशत आ रही है। लॉन्ग ड्राइव के बारे में क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है मगर अम्मी हम 2-2.5 घंटे में वापस आ जाएंगे। अगर देर भी हो गई तो उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। चले ठीक है मैं फ्रेश हो जाती हूँ और तैयार भी हो जाती हूँ। जल्दी से फ्रेश हो जाना, ऐसा ना हो कि सारा टाइम तुम इसी में लगा दो। तुम्हारे कहने पे मैंने आंटी को काफी समझाया, काफी हद तक रिलैक्स हो गई है। हाँ मैं देख रहा हूँ काफी फर्क पड़ा, वरना पहले तो हंसना ही भूल गई थी। नादिया और रानी की परेशानी में उन्होंने खुद को बीमार कर लिया। वो भी क्या करें, माँ है ना, बेबस सी हो जाती होंगी, शायद बेटियों को सोचती होंगी। ठीक कह रही हो रानी। रानी का क्या, जल्द से जल्द अपना घर संभाल ले और सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अब ये बताएं मेरी जिम्मेदारी कब उठा रहे? जैसा कि अम्मी ने कहा जल्द से जल्द। अच्छा तो तुम हमारी बातें सुन रहे थे चुपके? बातें नहीं सुन रहा था मैं, सी होता है। मैं क्या लगता है ऐसा लगता हूँ बातें सुनूंगा चुपके? नहीं मजाक कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आइए आइए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आप थोड़ा साइड पर आ सकते हैं? जी एक मिनट। क्या हुआ, कोई खास बात है? जी खास बात ही थी, वो मुझे आपको बताना था कि नादिया और खाला जान के बीच में मैंने सुलह करा दिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। काफी समझाना पड़ा खाला को लेकिन फाइनली वो समझ गई हैं, अब इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा दोनों के बीच। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। तो ये बात आप मोना के सामने भी कर सकती थी? मुझे लगा कि उनको शायद फैमिली प्रॉब्लम्स। नहीं नहीं वो भी फैमिली है। ओह अच्छा तो आप आए ना अंदर, अम्मी से तो मैंने। नहीं नहीं मैं बस निकलूंगी, मुझे देर हो रही है, बस मुझे जाना है। चलें ठीक है आइए। देख के शुक्र है मैंने आपको पकड़ लिया, अपना गिर जाती हैं आप। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा।